जय जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी, जय जय बाबा बर्फानी। भक्त जनों, पवित्र अमरनाथ गुफा हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह भारत के कश्मीर की राजधानी श्रीनगर शहर के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह पावन गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। भक्तों, वेद पुराणों में अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा गया है, क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। भक्तों, यहाँ की प्रमुख विशेषता है यहाँ बर्फ से बनने वाला प्राकृतिक हिमलिंग। आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे सावन के महीने में इस स्वयंभू पवित्र हिमलिंग के दर्शन हेतु यहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं। और भक्तों, यहाँ का चमत्कार तो ये है कि ये पावन पवित्र हिमलिंग चंद्रमा के घटते बढ़ते प्रकार के साथ साथ अपना स्वरूप भी बदलता जाता है। अर्थात जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है वैसे वैसे यह हिमलिंग भी बढ़ता है, और पूर्णिमा के दिन अपना पूर्ण स्वरूप भक्तों को दिखाता है। और जैसे जैसे चंद्रमा घटता है यह अपना आकार भी शनय शनय घटाता जाता है, और अमावस्या में तो लगभग लुप्त हो जाता है। तो आइए भक्तों, आज मैं आपको पवित्र अमरनाथ यात्रा पर संगीतमय रूप से लेकर चलता हूँ। एक बार फिर बड़ी श्रद्धा के साथ मेरे साथ बोलिए, बोलिए बाबा बर्फानी की। जय हो श्री अमरनाथ की जय, जय हो श्री अमरनाथ की जय, जय हो श्री अमरनाथ की जय, जय हो श्री अमरनाथ की जय। अमर कथा को सुनाने वाले, अमर कथा को सुनाने वाले भोलेनाथ की जय, जय हो श्री अमरनाथ की जय, जय हो श्री अमर। आइए भक्तों, अब सुनते हैं बाबा अमरनाथ बर्फानी की पावन पवित्र कथा। एक बार की बात है भक्तों, माँ पार्वती ने भगवान शिव को शमशान की राख से अपना श्रृंगार करते हुए देखा। भस्मी भूत रमाने के पश्चात भगवान शिव ने मुंडों की माला अपने गले में धारण की। तब माता पार्वती ने जिज्ञासा वश पूछा कि हे प्रभु, ये किसके मुंडों की माला है जो आप अपने कंठ में धारण किए रहते हैं। तब भोलेनाथ ने बताया कि हे गौरा, ये सब तुम्हारे पूर्व जन्मों के शरीरों के मुंड हैं। इस पर माँ कौतूहलवश शिवजी से पूछने लगी कि प्रभु, आप अमर हैं क्या, और मैं क्यों बार बार जन्म लेती हूँ। भगवान भोले शंकर ने उमा पार्वती के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु माँ गौरा कहाँ मानने वाली थी, वो तो हट पर अड़ गई कि हे शिव शंकर, आपको आज इस रहस्य को उजागर करना होगा कि क्यों आप तो अमर रहते हैं और क्यों मैं बार बार जन्म लेती हूँ। शिव जी के लाख मनाने पर भी गौरा मैया मान नहीं रही हैं और भगवान भोलेनाथ से क्या हट कर रही हैं। आइए सुनते हैं। मेरा मन भेद मिटाओ, अमर कथा मुझको सुनाओ, जन्म और मरण की स्वामी बात सारी बतलाओ। जन्म
जाने हटती ठानी, भोले की एक न मानी। अमर कथा सुन के रहूंगी, शिव जी से गौरव खानी। अमर कथा सुन के रहूंगी, शिव जी से गौरव खानी। गौरा की हट सुन भोले ने, गौरा की हट सुन भोले ने, बात मान ली है। जय हो श्री अमर नाथ की जय, जय हो श्री अमर नाथ की जय। भोलेनाथ ने पहले तो माँ पार्वती को टालने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु माँ की हट के आगे भोलेनाथ की एक न चली भक्तों। शिव जी बोले, हे प्रिय, ये अमरत्व के गूढ़ रहस्य हैं, जिन्हें मैं तुम्हें बताऊंगा। परंतु यदि तुम्हारे सिवा ये भेद किसी और को ज्ञात हो गया तो वो भी अमर हो जाएगा और सृष्टि का सारा संतुलन अर्थात जन्म और मृत्यु का भेद समाप्त हो जाएगा। इसलिए चलो, मैं तुम्हें किसी निर्जन स्थान पर ले चलता हूँ, जहाँ तुम्हारे और मेरे सिवा कोई न हो। तब भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर पृथ्वी लोक पर आ गए और किसी पावन पवित्र किंतु एकांत स्थान की तलाश करने लगे। भगवान भोले शंकर ने एक एक कर अपने सभी सहचरों का परित्याग किया भक्तों। सबसे पहले नंदी को छोड़ा, जो स्थान पहलगाम कहलाया। फिर चंद्रमा को छोड़ा, जो चंदनवाड़ी कहलाया। उसके पश्चात माँ गंगा को पंचतरणी में छोड़ दिया भक्तों। गले का शेषनाग भी छोड़ा, जो स्थान शेषनाग कहलाया। आगे चलकर भगवान भोले शंकर ने श्री गणेश जी का परित्याग किया, वो स्थान महागुणस पर्वत कहलाया। और अंत में मृगछाला के पिस्सुओं का त्याग किया, जो स्थान आज भी पिस्सु घाटी कहलाता है। इस तरह भगवान शंकर ने सभी का परित्याग किया भक्तों। सभी को शिव ने छोड़ा, गौरा को संग मिलाए। गुफा एक पावन ढूंढी और उसमें आन समाए। गुफा एक पावन ढूंढी और उसमें आन समाए। डमक डम डम रूप जाया, द्वार अग्नि को जलाया। कोई भीतर ना आए, कथा कोई सुन ना पाए। कोई भीतर ना आए, कथा कोई सुन ना पाए। पावन गुफा में गूंज रही है, पावन गुफा में गूंज रही है, शिव शंकर की जय। जय हो श्री अमर नाथ की जय, जय हो श्री अमर। इस तरह भोलेनाथ ने अपने सभी सहचरों का परित्याग किया और माँ गौरा के साथ एक निर्जन गुफा में आ गए भक्तों। गुफा के भीतर आते ही भोलेनाथ ने डम डम डमरू बजाया, जिसकी ध्वनि सुनकर सभी अदृश्य कीट पतंगे इत्यादि वहां से चले गए। भगवान भोले शंकर चाहते थे कि माँ गौरा के अलावा कोई भी ये अमर कथा सुनने न पाए, सो इस हेतु उन्होंने गुफा के द्वार पर अग्नि भी जला दी, ताकि कोई गुफा के भीतर न आ सके। फिर माँ गौरा को समझाया, गौरा, मैं नेत्र बंद कर ध्यान मग्न होकर ये अमर कथा तुम्हें सुनाऊंगा, तुम ध्यान से सुनते रहना। देखना, चाहे कितना भी समय लग जाए, तुम्हें निद्रा नहीं आनी चाहिए। और बीच बीच में कथा के
ओंकारे भी भरते रहना। अब भगवान भोलेनाथ ने समाधि लगाई और अमर कथा सुनानी प्रारंभ की। 3 दिवस बीत गए भक्तों, परंतु अमर कथा का न तो कोई और था और न कोई छोर। अब निद्रा ने माँ गौरा को घेर लिया भक्तों, और धीरे धीरे उनके नेत्र बंद हो गए। परंतु भोले की माया से उस गुफा में 2 कबूतर भी थे भक्तों, जो ये अमर कथा सुन रहे थे और बीच बीच में हूं हूं कर हुंकारे भर रहे थे। भोलेनाथ ये सोच रहे थे कि हुंकारे माँ गौरा भर रही है, परंतु अमर कथा तो कबूतर सुन रहे थे। अमर कथा संपूर्ण हुई, भोलेनाथ ने आंखें खोली तो गौरा को सोता देख क्रोध में आ गए। यदि तुम सो रही थी गौरा, तो बीच बीच में हुंकारे कौन भर रहा था। तभी भोलेनाथ की दृष्टि उन 2 कबूतरों पर पड़ गई। उन्हें मारने हेतु जैसे ही भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया, दोनों कबूतर और माँ पार्वती भगवान शिव के चरणों में आ गए। माँ पार्वती ने समझाया, हे भोलेनाथ, अमर कथा सुनकर ये दोनों कबूतर अमर हो गए हैं। अब यदि आप इन्हें मृत्यु दंड देंगे, तो भला आपकी बात का मान कहाँ रह जाएगा। भोलेनाथ ने यह प्रार्थना स्वीकार की और उन दोनों कबूतरों को क्षमादान दे दिया भक्तों। गौरा को निद्रा आई, कथा वो सुन नहीं पाई। कबूतर कथा को सुनते बीच हुंकारे भरते, कबूतर कथा को सुनते बीच हुंकारे भरते। क्रोध भोले को आया, हाथ त्रिशूल उठाया। गौरा चरणों में आई, भोले को ये समझाई। गौरा चरणों में आई, भोले को ये समझाई। आप हो दया निधान है भोले, आप हो दया निधान है भोले, सदा आपकी जय। जय हो श्री अमरनाथ की जय, जय हो श्री अमर। माता गौरा और दोनों कबूतरों के क्षमा मांगने पर भगवान भोले शंकर ने उन्हें क्षमा दान दिया भक्तों, और उन्हें ये वरदान दिया कि जाओ कबूतरों, आज से तुम अमर हो गए हो। युगों युगों तक मेरे दर्शन करने जो भक्त यहाँ इस पवित्र पावन गुफा में आएंगे, तुम्हारे दर्शन प्राप्त कर मुक्ति का फल प्राप्त करेंगे। तभी से भक्तों ये दोनों कबूतर आज भी इस गुफा में विद्यमान हैं, और आज भी भगवान भोले शंकर के भक्त इन कबूतरों का दर्शन पाकर कृतार्थ हो जाते हैं। जब भोलेनाथ गुफा से चलने लगे, तो माँ पार्वती ने कहा, हे भोले शंकर, ये स्थान मुझे अत्यंत प्रिय लग रहा है, क्यों ना हम सदा सदा के लिए यहाँ बस जाएं। भोले शंकर ने कहा, पार्वती, हमारा निवास तो कैलाश पर है, परंतु तुम कहती हो तो हम पूरे परिवार सहित हिमलिंग रूप में यहाँ बस जाते हैं, और जब जब साल में श्रावण मास आएगा, हम यहाँ पर हिमलिंग रूप में सारा परिवार भक्तों को दर्शन देगा। तब से भक्तों हर वर्ष सावन के महीने से शुरू होकर रक्षाबंधन तक भगवान भोले शंकर के भक्त यहाँ इस पवित्र पावन गुफा में आते हैं, और पूरे शिव परिवार का हिम के रूप में दर्शन पाकर भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करते हैं। भोले ने दया दिखाई, क्षमा कबूतर पाए,
अमर कथा सुनी उन्होंने, अमर दोनों हो आए। अमर कथा सुनी उन्होंने, अमर दोनों हो आए। आज भी गुफा में दर्शन अपने भक्तों को देते, दुखड़े संकट भक्तों के पल में दोनों हर लेते। दुखड़े संकट भक्तों के पल में दोनों हर लेते। अमर कथा के अमर कबूतर, अमर कथा के अमर कबूतर, इन दोनों की जय। जय हो श्री अमर तो ये थी भक्तों पावन पवित्र अमरनाथ गुफा की कथा। आप बड़ी श्रद्धा के साथ दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ बोलिए, बोलिए बाबा बर्फानी की। भक्तजनों, मेरे भोले शंकर की महिमा वेद पुराणों ने बखानी है, ऋषि मुनियों ने मेरे भोले शंकर की कथा कहानियां अपने मुख से बखानी है। भक्तों, मेरे भोले शंकर जैसा दानी महादानी कोई नहीं है। इन्होंने एक क्षण में समस्त वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दे दिया, जिस ज्ञान को पाकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। भगवान भोले शंकर की कृपा से माता लक्ष्मी विष्णु जी के वाम अंग में आई। भगवान भोले शंकर ने देवों की रक्षा हेतु विष को पीकर अपने कंठ में बसा लिया। यदि मैं भगवान शंकर का बखान करने लगूं तो भक्तों कई कई जन्म निकल जाएंगे, परंतु भोले शंकर की महिमा गाई नहीं जाएगी। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, यदि आप भी भगवान भोले शंकर की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो जीवन में एक बार अमरनाथ गुफा में आइए और हिमलिंग परिवार का दर्शन कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस दर्शन से आपके जन्मों जन्मों के संचित पाप कर्मों का नाश हो जाएगा। तो एक बार फिर बड़ी प्रेम और श्रद्धा से मेरे साथ बोलिए, बोलिए बाबा बर्फानी की। शिव की कृपा जो भक्तों जीवन में पाना चाहो, मन में संकल्प उठाओ के पावन गुफा में आओ। मन में संकल्प उठाओ के पावन गुफा में आओ। करो हिमलिंग के दर्शन, श्रद्धा से शीश नवाओ, पुष्प फल अर्पित करके हाँ चंदन तिलक लगाओ। पुष्प फल अर्पित करके हाँ चंदन तिलक लगाओ। भूखे कौन प्यासे को पानी, भूखे कौन प्यासे को पानी, देने वाले की जय। जय हो श्री अमरनाथ की जय। जय हो श्री अमरनाथ।